नीट पीजी की जो परीक्षा है उसमें पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह एक साधारण उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल असाधारण है, और मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद बेगूसराय में इस तरह की उपलब्धि हुई होगी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। जी हाँ, ऐसा ही काम किया है डॉक्टर निशांत कुमार ने। प्रथम सुपुत्र डॉक्टर लीना कुमारी एवं डॉक्टर संजय कुमार के सुपुत्र डॉक्टर निशांत जी ने बिहार प्रदेश के मेडिकल पीजी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके पूरे प्रदेश में बेगूसराय का मान बढ़ाया है। तो मैं गौरव कुमार पाठक संपूर्ण केविश्वर परिवार की ओर से, संपूर्ण शहरवासियों की ओर से उनके इस उपलब्धि पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम चाहेंगे वो मेडिकल जगत में दीप्तिमान सितारे के रूप में जगमगाए और स्वास्थ्य सेवा में एक उनकी अलग पहचान हो और वो अपने कर्मों से जाने जाए। हम चाहेंगे वो एक अच्छे डॉक्टर बन करके चिकित्सीय सेवा में एक अलग स्थान बनाए, एक अलग मुकाम बनाए। तो आज देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर निशांत कुमार का सम्मान समारोह है। उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए शहर के प्रबुद्ध जन, शहर के संप्रांत लोग, राजनीतिज्ञ लोग और शहर के जाने चिकित्सक भी आए हुए। तो संपूर्ण शहर के लिए गौरव का क्षण है। और डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर लीना मैडम के सुपुत्र डॉक्टर निशांत कुमार को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। डॉक्टर निशांत को पहले सबसे बहुत बहुत बधाई हो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने हम सबको प्राउड फील किया है। और डॉक्टर संजय सर का जो आशीर्वाद है, उनकी जो विनम्रता है, विनम्रता से ही उच्चता की प्राप्ति होती है। और उनके सुपुत्र डॉक्टर निशांत ने पीजी में टॉप करके बेगूसराय को गौरवान्वित किया है। सारे डॉक्टर लॉबी को, सारे फैमिली को और पैगाम अमन कमेटी की ओर से मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर निशांत कुमार को बिहार मेडिकल पीजी में टॉप रैंक लाने के लिए दिल से बिल्कुल हार्दिक शुभकामना है। उन्होंने पूरे बेगूसराय में डॉक्टर फैटर्निटी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनको अपने मेडिकल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर निशांत जी को शुभकामनाएं देने के लिए डॉक्टर निशांत जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी उपलब्धि है हमारे शहर के लिए, खासकर बेगूसराय के लिए, और पूरा बेगूसराय में जो भी लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी, जो भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग, सभी बधाई दे रहे हैं और हमारे लिए गौरव का क्षण है। धन्यवाद दीजिए संजय सर और लीना मैम को कि इतना ख्याल रखा उसका और इतना अच्छा से पढ़ वढ़ के आगे बढ़ा वो। क्योंकि उपलब्धि तो बस यहाँ होता क्या है समाज में, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई जॉब वाली नौकरी में निकालेंगे तो हर जगह शेयर होता है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, पीजी इंट्रेंस एग्जामिनेशन मेडिकल में, उसमें एक रैंक पाना किसी भी परीक्षा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सारे डॉक्टर्स कम्पीट करते हैं कुछ सीट्स के लिए, और उसमें आप अगर पूरे प्रदेश में चोटी का रैंक, फर्स्ट रैंक आप लाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का सारा श्रेय मैं निशांत की मम्मी लीना मैडम और सर को देना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे चलकर वो बहुत अच्छा सर्जन बनेगा। अभी तो जनरल सर्जरी में उसने लिया है, लेकिन आगे मुझे लगता है कि न्यूरो सर्जरी या उस तरह से और जो भी उसका चुनिंदा ब्रांच होगा उसमें बहुत अच्छा करेगा। तो शहर के लिए और इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। आज हम लोग पूरा गौरवान्वित हैं। अब पूरा बेगूसराय की जनता, खास करके बेगूसराय के जनता बहुत खुश हैं कि ऐसे नेक, ऐसे सपूत को पैदा किया कि हम लोग की शान को इसने बढ़ाया। हम भविष्य में इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बिहार ही नहीं, अब मुल्क में नाम पैदा करें इसके लिए हम दुआ करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मेरे से मेरे बेटी की पहचान थी, आज मेरी पहचान मेरे बेटे से हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और हमारी शुभकामना है। डॉक्टर निशांत कुमार जी के बारे में बस हम इतना ही कहेंगे कि मुझे गर्व होता है जब शहर में कोई अच्छे डॉक्टर आते हैं, अच्छे डॉक्टर आते हैं, अच्छे टीचर आते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स, चाहे चार्टर अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, उनको कोसना आसान है। लेकिन जरा आप ज़रा सोचिए, आप अपने जो पढ़ाई करते हैं तो कम से कम ये लोग पढ़ते हैं तो 30 से 35 साल पढ़ते हैं, और उसके बाद वो भी पीजी की पढ़ाई। मुझे पता है कि एक स्टैंडर्ड 4-5 में भी परफॉर्म करना कितना टफ है, और उसमें टॉप करना पूरे बिहार में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खास करके जो लोग इस पेशा से जुड़े हुए हैं उस कष्ट को समझते हैं। मेरे मित्र में बहुत सारे डॉक्टर हैं, मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, इसलिए बधाई दूंगा पहले वो जो जिन्होंने बीजारोपण किया है, इनकी माँ, उनके पिताजी, उनका जो परिवार है,
कि इन्होंने वो संस्कार दिया, और ये मेरे सिर्फ अच्छे समय के मित्र नहीं हैं, बुरे समय में ज़्यादा काम आते हैं। इसीलिए एक थोड़ा एक ट्रेंड चल पड़ा है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा समाज से खास करके कि प्लीज़ सिर्फ कोसिए मत, आप बेगूसराय से बाहर निकलिए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, तब आपको सेवा का कीमत समझ में आएगा कितना खर्च करना पड़ता है और कितना लंबा लंबा इंतज़ार है। आप एम्स जाइए, एक शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए महीना डेढ़ महीना रहना पड़ेगा। इसलिए बधाई सर को एक बार फिर से, और निशान जी को तो चाहूँगा कि अनदर 10 ईयर्स उनको पढ़ना है अभी, उसके बाद आएँ कि कम से कम हमारे बच्चों को और हम लोगों को भी वो सेवा मिले, पूरे बेगूसराय को सेवा मिले। थैंक यू डॉक्टर रुपेश सर। निशांत आगे बढ़े और अच्छा करे, यही शुभकामना है। निशांत जी तो मेरे जिला के गौरव हो गए हैं, और गौरव को तो बधाई और शुभकामना है जो उन्होंने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि को गौरवान्वित किया। तो उनको और उनके पिताजी डॉक्टर संजय कुमार लीना जी, सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना है, जो इसी तरह बेगूसराय का सपूत, बेगूसराय का नाम रोशन करता रहे। ये तो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए गौरव की बात है कि निशांत इतना अच्छा प्रदर्शन करके न सिर्फ बेगूसराय का बल्कि हम लोग सभी का नाम ऊपर कर रहा है, और हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है। बिल्कुल गौरव का पल है, ऐसा पल बार बार नहीं आता। डॉक्टर निशांत ने नीट पीजी की जो परीक्षा है उसमें पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह एक साधारण उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल असाधारण है, और मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद बेगूसराय में इस तरह की उपलब्धि हुई होगी, तो हम सब के लिए गौरव का पल है। और हम सब लोग डॉक्टर निशांत के और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि वो एक बेहतर डॉक्टर बने और फिर समाज की सेवा करें। निश्चित रूप से बेगूसराय ज़िले में जो डॉक्टर संजय कुमार जी का जो गौरव पल था, जो मान सम्मान, जो बेगूसराय के लिए वो एक जाने माने डॉक्टर के रूप में विख्यात थे, ठीक उसी प्रकार उनके पुत्र डॉक्टर निशांत जी ने सिर्फ बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है, पूरे बिहार में अपना परचम लहराया है। इसके लिए मैं डॉक्टर निशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व शुभकामनाएँ देता हूँ। इसी प्रकार वह बेगूसराय ज़िले का नाम रोशन करते रहें, और बेगूसराय ज़िला इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में अव्वल है, हर एक जगह अपना परचम लहराते रहे, यही हमारी कामना है। देख सकते हैं आपको हर कोई शुभ, हमारे साथ शुभम थे, हर कोई उनको शुभकामना दे रहा है। निशांत बाबू के उपलब्धि से हम सारे लोग गौरवान्वित हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि बेगूसराय के डॉक्टर समुदाय तो गौरवान्वित हैं ही, बेगूसराय के जनता को भी यह गर्व होना चाहिए कि इतने बड़े बिहार में समूचे में टॉप करके वो जो है सो इसमें, यह बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, ये जो है सो IAS से अधिक रैंक की परीक्षा मतलब इस पर पढ़ने और इसके मामले में होती है। तो देख सकते हैं डॉक्टर निशांत कुमार हैं, इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, पूरा शहर देख सकते हैं आज यहाँ उमड़ा है, और इस प्रहास रिसोर्ट में हर कोई इनकी इस उपलब्धि पर, पूरे बिहार में पहला रैंक इन्होंने हासिल किया है, तो हमारी ओर से भी और संपूर्ण जिलेवासी की ओर से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी, बधाई होगी, और हम चाहेंगे ये खूब यह मेडिकल क्षेत्र में एक अलग स्थान बनाए, बिहार प्रदेश के मेडिकल पीजी की परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके हम सब को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर निशांत कुमार, डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर लीना कुमारी के ये सुपुत्र हैं, और हम सबको गर्व है कि हमारे शहर से हैं। विशाल से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय SDM साहब को डैश पर शाल सम्मान पूर्वक लाया जाए। निर्वाचित जन प्रतिनिधि जो मुखिया है उनसे मेरा आग्रह है कि संक्षेप में दो शब्द का आशीर्वचन है। श्री महेश सर, सम्मानित अध्यक्ष बेगूसराय जिले के सुप्रसिद्ध डॉक्टर राहुल सिंह, इस मंच पर उपस्थान में हम सभी लोग उपस्थित हैं, हमारे बीच मंत्री डॉक्टर निशांत सर हैं, बहन किरण जी हैं, और इस सभा में उपस्थित बेगूसराय जिले के सुप्रसिद्ध कई नाम चीन डॉक्टर साहब, कई वकील साहब, आदरणीय चित्ररंजन बाबू, और हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर निशांत सर, ये नाम भाई सिंह दिनकर के घर पर है,
बेगूसराय मेडिकल के घर की एक से एक रत्न को पैदा करते रहे हैं। हम डॉक्टर संजय बाबू के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और संजय बाबू का भी अभिनंदन। स्वागत गौरव महसूस कर रहा है, पूरा बिहार गौरवान्वित है कि डॉक्टर निशांत जी जो बहुत बड़ी कठिन एग्जाम को पास करके और प्रथम श्रेणी से पास करके हमारे बीच आए हैं। हम उनका हृदय से पूरा आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करते हैं और अपने समय के भाव में वाणी को विराम देने से पहले इस सलाह को संचालन कर रहे डॉक्टर साहब, मंचा सिंह हमारे बीडीसी साहब, उपेंद्र चा कि हमारे जिले में पूरे राज्य अपना नाम और हमें गौरवान्वित होने का महसूस करने का क्षण प्रदान करने वाले डॉक्टर निशांत कुमार जी आपको बहुत बहुत आप अपने मामों का एक शब्द अवश्य याद रखेंगे। परिवार के रहते हुए भी सफलता हासिल किया जा सकता है, इनको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं जनशब्दों के साथ पुनः आप लोगों के हार्दिक बधाई के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बेगूसराय। डॉक्टर ए के राय साहब, डॉक्टर राहुल कुमार बेगूसराय जिला के पैगामे अमन के अध्यक्ष से मुखिया संघ के अध्यक्ष आसन भाव पूर्व मेयर आलोक बाबू। डॉक्टर निशांत ने जो अपने मेडिकल के लिए परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर घर का नहीं जिले का नहीं बल्कि बिहार वासियों का नाम रोशन किया है, मैं अपनी ओर से यहाँ उपस्थित सभी को से पूरे बिहार वासियों को से इस बात की हम करते हैं और मेरी दुआ है सारे लोगों को दुआ है कि जिस क्षेत्र में आप आए हैं अभी तो प्रथम स्थान पीटी के परीक्षा में लेकर आए हैं लेकिन मूल का नाम रोशन कीजिए। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ साथ मैं अपने छोटे भाई गोपाल बाबू की पुत्र बधिर किरण कुमार ने दुनियाई परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है, इससे सारे डीएम साहब, पीडीसी साहब, एसडीओ साहब, उपेंद्र बाबू, हसन साहब, आलोक बाबू तथा सम्मान यहाँ उपस्थित सभी हमारे मित्र शुभचिंतक डिग्री नहीं जाती है दी जाती है लेकिन उन्होंने प्रवेश परीक्षा में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है। इसमें आखिर कौन गुरु वाला इसके बाकी है तो बच्चे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, नाम रोशन हो रहा है, बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने बेगूसराय के हैं, अपने चिकित्सा विभाग के हैं तो निशांत को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे भी अच्छा करो और ऊँची उड़ान भरकर माता और पिता के लिए होता है तो मैं डॉक्टर रीना मैडम से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आए। डॉक्टर लीना कुमारी प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत है दोनों ने जो अपना चिकित्सीय क्षेत्र पर अपना आच्छादन किया है वास्तव में कार्यकारी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये बेगूसराय को हमेशा अपने दिव्य ज्योति से प्रकाशित करते रहे, बेगूसराय को देश की कल्याण के लिए आगे बढ़े। सचमुच दोनों विभाग जो हमारे समाज का एक हृदय है और दूसरा मुकुट है, दोनों विभाग में इन दोनों ने जो स्थान प्राप्त किया है उसका कोई हिसाब नहीं है। आगे आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक नया विचार शुभकामना देता हूँ। बड़ा ही गौरव का क्षण और इस मुकदस मौके पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी महोदय तथा सम्मानित मंच इस सभागार में
उपस्थित सकल सम्मानित विद्वत्त हैं। आज बेगूसराय के जंजाल में बड़ा ही हर्ष और उल्लास का वातावरण बन रहा है कि आज फिर हमारे बच्चे ने शुभ विभाग में उनके प्रति भी शुभकामना के साथ साथ आशीर्वाद देता हूं कि वो भी अपने जीवन में इसी ढंग से आगे बढ़ते रहे, सफलता प्राप्त करते रहे। और जब वो सफल होते हैं तो हम बेगूसराय के लोग आनंदित होते हैं, आनंदित होते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। आज भाषण के मौका नहीं, आज केवल आशीर्वाद का मौका। और इस मौके पर खास करके डॉक्टर साहब दोनों पति पत्नी को संजय जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस सभा भवन में सम्मान समारोह का आयोजन और इस सम्मान समारोह के मुख्य आकर्षण डॉक्टर निशांत जी, इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित उप विकास आयुक्त महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक निवर्तमान मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आई एम के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर ए के राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित न्याय सेवा में परीक्षा देकर बेगूसराय का नाम रोशन करने वाले हमारे अभिभावक गोपाल बाबू की पुत्र वधु किरण कुमारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वो माँ जिनके पुत्र ने आज बेगूसराय का नाम रोशन किया डॉक्टर लीना जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भाई एहसन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित SDM राहुल राव एवं तमाम हमारे अभिभावक विद्वजन, बहुत सारे बेगूसराय के प्रख्यात चिकित्सक एवं तमाम लोगों का इस सभा भवन में मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर संजय जी यूको हम लोगों को बेगूसराय के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राहुल कुमार जी इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, बेगूसराय के जिला पदाधिकारी आदरणीय चंद्र कुशवाहा जी मंच पर बैठे, हमारे DDC साहब मंच पर बैठे, हमारे IMA के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ए के राय जी मंच पर बैठे, पूर्व में नाम रोशन करने वाले दो विभूति डाइस पर मौजूद हैं। एक डॉक्टर प्रशांत जिन्होंने मेडिकल के PG में सूबे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हम सबको गौरवान्वित किया है, बेगूसराय गौरवान्वित है और हम चाहते हैं उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजे। और एक हमारी बहू किरण कुमारी जी जो बेगूसराय की बहू है, गोपाल बाबू की बहू, हम सबकी बहू है, इन्होंने न्याय सेवा में सफलता हासिल किया है, हम उनको भी बधाई देते हैं। उनके स्वागत से भी हम चाहते हैं तमाम लोग तालियां बजाएं। हमको प्रेरणा लेनी चाहिए नई पीढ़ी को डॉक्टर निशांत से, किरण कुमारी जी से प्रेरणा लेके नई पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए डॉक्टर निशांत ने जो करिश्मा किया है,
कि इनका इनके मेहनत का फलाफल है, लेकिन मैं अंदर की बात बोलता हूँ। सामाजिक जीवन के जो मुझे तजुर्बा है, तो मैंने समाज में देखा है कि जिनके माँ बाप अंदर से नेक होते हैं, उनका बाल बच्चा हमेशा तरक्की करता है। मैंने देखा है डॉक्टर संजय मालू को, डॉक्टर लीना जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि वो पैगाम कमेटी से जुड़े हुए हैं। हमेशा गरीबों की सेवा के लिए डॉक्टर संजय मालू का कदम आगे बढ़ता है। कोरोना काल में भी पूरे जिला में घूम घूम के हमारे साथ उन्होंने गरीबों की सेवा किया। आज भी जब भी कोई गरीब रोगी उनके यहाँ जाता है, हम लोग हमारे पूर्व में संजय कुमार जी, पूर्व मेयर संजय बाबू और अन्य सम्मानित सदस्य, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले मेरे नाम से मेरे बेटे की पहचान होती थी, आज मेरे बेटे से मुझे पहचान होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बचपन से देखता था, जो कभी ये नहीं कहते थे पापा इनको कुछ कहना है। MBBS के जब एग्जाम फर्स्ट MBBS का था, तो मेरा रोल नंबर बताओ, मेरे जो फ्रेंड्स उन्होंने कहा रोल नंबर लेना है, तो मैं एग्जाम नहीं दूँगा, और मुझे एग्जाम देना का रोल नंबर बन पूछी, और सही हुआ। फर्स्ट क्लास में MBBS भी किए, PG में भी अच्छा किए, और बहुत अच्छा लगा। अपने बल से आगे बढ़ना चाहते हैं, बोले कभी भी किसी भी को मैं आपका नाम नहीं दूंगा, हम अपने नाम से बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब आप लोगों की दुआ है, सारे समाज का इसमें योगदान है, सब लोगों ने दुआ दिया और बच्चे आगे बढ़े और आगे गए। समाज के लिए यही हमारी कामना है, और समाज में अच्छे नागरिक और अच्छे चिकित्सक अपना योगदान करें। First of all, thank you very much to everyone, every dignitaries sitting over there on the stage, और सारे लोग जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, नीचे बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए, सारे लोग मुझसे बड़े हैं, सबका आशीर्वाद मिला लाया है कि एक पॉपर लड़की इस जिले की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए सिलेक्ट हो पाई है। थैंक यू वेरी मच टू एवरी वन। एंड मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है, फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और अल्टीमेटली मेहनत करके और डेडिकेशन के साथ अगर कुछ किया जाए तो अचीव किया जा सकता है। एंड आई बिलोंग टू अ फैमिली हु इज वेरी लो इनकम फैमिली, एंड फ्रॉम देयर ऑन एवरी स्टेज माय मदर एंड माय फादर सपोर्टेड मी इन माय स्टडीज। सो कुछ भी पॉसिबल है अगर माँ बाप चाहें और बड़ों का आशीर्वाद हो तो। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड लास्टली निशांत कुमार, हु स्कोर्ड वेरी वेल एंड स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन होल ऑफ द बिहार, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मुझे इतना भरवान महसूस करवाया, ऐसा मुझे कभी कल्पना भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी मेरी लाइफ में हो पाएगा। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग मी एंड आई नाउ होप कि आगे चल के मैं आप लोगों ने जो सोचा है उसे मैं सच कर पाऊँ, एंड थैंक यू सो मच। हमारे संपर्क कर रही है उनके बारे में इनकी चर्चा पूरे शहर में, उसके बारे में अलग सब बोलने की बहुत आवश्यकता है। किसी भी हालात में टॉप करना बहुत ही कठिन बात है। नर्सरी से बात करें और मेरी एग्जाम बहुत ही बड़ी सफलता है। मैं निशांत भाई को अपने पेरेंट्स को सबको बधाई देना चाहता हूँ, साथ ही साथ हम लोगों के बीच में जुडिशियल एग्जाम में भी एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में बधाई देते हैं। पन्हास रिसोर्ट में थे डॉक्टर निशांत कुमार के सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया था, और हमें लगा कि क्यों ना इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया जाए। हमने भी उन्हें
केवी स्टूडियो की ओर से शुभकामनाएं और बधाई दी और पूरे शहर के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी और हम चाहेंगे वो एक अच्छे डॉक्टर बनकर के चिकित्सा सेवा में अपना योगदान दे और ढेर सारी शुभकामनाएं होगी उनको। और हम तमाम लोगों से यह भी कहना चाहेंगे कि आज हम सबको डॉक्टर निशांत की सफलता से सीख लेनी होगी, उनसे प्रेरणा लेनी होगी और एक अलग पहचान और एक अलग कीर्तिमान बनाना होगा। अगर हम भी चाहते हैं कि जो मेरा गोल है उसको पूरा करें तो हम भी संघर्ष से सफलता तक अपना एक मुकाम बनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको भी। लगातार मैं आपको इस तरह की कहानी बताते रहता हूँ, इस तरह के वीडियो आप देखते रहें। जो हमारे चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसको सब्सक्राइब करके और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन का उसको लाइक करके मिलते हैं एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा रॉकी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।